हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको ILO, WHO, FAO, IMF ये स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन को डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और नई नई नॉलेज आपको मिलती रहेगी। आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ ILO। सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया? 11 अप्रैल 1999, याद रखेंगे आप, 11 अप्रैल 1919 को इस्टेब्लिश किया गया जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसका जो रोल था कि लेबर्स की कंडीशन में सुधार किया जाए, उनकी लाइफ को अपलिफ्टिंग किया जाए। और 1969 में इस ऑर्गेनाइजेशन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबल शांति पुरस्कार मिला था इसके काम के लिए। तो एग्जामिनेशन टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर क्या है और इसका रोल क्या है। स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं और स्लाइड्स के अलावा मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्कस करती चलूँगी। तो देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ? तो द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन 11 अप्रैल 1999 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 11 अप्रैल 1919 को हुई। 11 अप्रैल 1999 को कौन सी ट्रीटी थी? वर्साइल ट्रीटी थी। और ये फर्स्ट स्पेशल एजेंसी थी। और 14 दिसंबर 1946 को इसे संयुक्त राष्ट्र का अंग स्वीकार कर लिया गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 14 दिसंबर 1946 को इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार कर लिया गया। और 1969 में, जैसा कि भी मैंने बताया, कि इसे 50वीं वर्षगांठ पर इसे नोबल शांति पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते चलते हैं और इम्पॉर्टेंट बातें याद करेंगे कि एज द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्कर, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मेंटेन इकोनॉमिक एंड सोशल पीस, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू ट्राई फॉर द ट्रिपल कॉपरेशन ऑफ द लेबर ओनर एंड द गवर्नमेंट थ्रू इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड कन्वेंशन ऑन वेजेस वर्क। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी थी, ये इसमें मेन काम किया कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार किया जाए, जीवन स्तर को उन्नत किया जाए, आर्थिक और सामाजिक शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा, या विश्व में श्रमिक, मालिक और सरकार, हम तीन लोगों को एक साथ बोल रहे हैं कि लेबर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई के साथ गवर्नमेंट, इन तीनों का एक आपस में कॉपरेशन रहेगा। और सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया लेबर्स के लिए कि ये संगठन उनकी मजदूरी, काम के घंटे, काम के लिए कम से कम क्या एजेस होगी, अलग अलग दर्जे के मजदूरों के लिए काम की शर्तें, कर्मचारियों का मुआवजा, सामाजिक बीमा, वेतन सहित छुट्टी, औद्योगिक सुरक्षा, रोजगार की व्यवस्था, श्रम संबंधी निरीक्षण, सभा आदि की आज़ादी जैसे विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संधियों के मसौदे तैयार कराकर स्वीकृत करता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी कि लेबर्स के वेलफेयर के लिए वर्क हो रहा है तो उनके वेलफेयर कैसे किया जाएगा, जब उनके काम के घंटे तय किए जाएंगे, उनको मुआवजा मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, एम्प्लॉयमेंट की सेफ्टी मिले, उनके लिए उन्हें बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, तो ये सब सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कौन कौन से आप देख सकते हैं कि कार्य थे, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि यह इट इज़ प्रमोट बेसिक ह्यूमन राइट्स टू इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन एंड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यह बुनियादी मानव अधिकार को बढ़ावा देने, कामकाज और रहन सहन की स्थितियाँ सुधारने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करता है। तो यह उन क्षेत्रों में कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को तय करता है और उन पर नज़र रखता है जहां पर लेबर्स काम कर रहे हैं और उनके लिए सारी की सारी टेक्निक्स को अपनाता है। तो इसके कौन कौन से ऑर्गन हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे कि लेबर कॉन्फ्रेंस, मैनेजमेंट ब्रांच, लेबर ऑफिस, श्रम सम्मेलन, प्रबंध शाखा और श्रम कार्यालय। इसका प्रधान कार्यालय अभी मैं बता चुकी हूँ, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी हर साल बैठक होती है जहाँ पर लेबर्स के लिए रूल्स तय किए जाते हैं। और इस सम्मेलन में लगभग कह सकते हैं कि 56 सदस्य देश थे शुरुआत में, और बाद में जो 10 सदस्य हैं वो परमानेंट हैं, जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्राज़ील, चीन और रूस,
ये परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी सब टेम्परेरी मेंबर्स हैं। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या करती थी, नई नई पॉलिसीज़ को बना रही थी और नई नई पॉलिसीज़ को तय कर रही थी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे कि ये जिनेवा में इसकी मीटिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में दी है कि 33rd जब सेक्शंस हुआ, सेशन हुआ, तो वहाँ पर भी इसके बारे में मीटिंग में तय किया गया कि लेबर्स के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। तो उस समय जो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमशालय में जो वहाँ का जो परमानेंट ऑफिस है वो सचिवालय है, और ILO का जो जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान तुरिन जो इटली में है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अध्ययन और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो ये चेयरमैनशिप किसको मिलेगी, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम क्या होती हैं, चेयरमैन बदलते रहते हैं। तो अब जो भी चेयरमैन रहेगा उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो क्या करेगा, लेबर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो हमारे इंडिया से भी कई लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं, भारत के श्री जब जीवन राम जी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 33वें अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, मैंने आपको सभी चीज़ें लगभग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दी हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब आपको याद रखनी है क्योंकि इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अब UNO के जो 193 मेंबर्स हैं उनमें से 187 मेंबर्स ILO के मेंबर हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है जो लेबर्स के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रहा है इंटरनेशनल रूप में। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO इसका शॉर्ट नाम है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको UNO ने भी एक्सेप्ट किया। तो 7 अप्रैल 1948 को ये एस्टेब्लिश किया गया WHO, और इसका कार्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और आपको याद रखना है कि ILO का भी कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, दोनों जगह का कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना, कि वर्ल्ड के जो सभी लोग हैं स्वस्थ रहें और वो कैसे कंडीशन प्राप्त की जाए, ये WHO क्या करता है, नई नई पॉलिसीज़ को लेकर बनाता रहता है। तो WHO का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये मैं आपको पूरा डिटेल अभी बता रही हूँ। सबसे पहले कि ये संस्था कब बनी, तो इस संस्था का संविधान मैं आपको बता दूँ कि 22 जुलाई 1946 को ये एक्सेप्ट हुआ, और इसकी स्थापना मैंने अभी बताई 7 अप्रैल 1948 को हुई। और इसका उद्देश्य क्या है, विश्व के सभी लोगों की, जनता के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। और इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा ये मैं आपको बता रही हूँ, टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ, टू एस्टेब्लिश कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ विद द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द वर्क, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कार्यों का संचालन, कोऑर्डिनेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन और इसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी लोग क्या करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं में सहयोग स्थापित करेंगे, जितनी भी महामारियां हैं, बीमारियां हैं, उनके उन्मूलन को और उनको रोकने का कार्य करेंगे, लोगों को पर्यावरण स्वास्थ्य की परिस्थितियों को तथा आहार पोषण निवास गृह और सफाई काम करने की दशाओं को उन्नत करना, मातृ मंगल बाल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यों की वृद्धि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण को ऊंचा करना, स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य की संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को क्या करना, मेंटेन रखना। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा का मतलब मैं यह UNO से बोल रही हूँ, UNO का एक ही ऑब्जेक्ट है कि विश्व के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी लोग हेल्दी रहें, और उनके लिए वो कैसे वर्क करेगा, वो सारी तरीक़ों से वर्क कर रहा है कि मदर के लिए भी काम कर रहा है, चाइल्ड के लिए भी काम कर रहा है, आम पब्लिक के लिए भी काम कर रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ें वो करेगा वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने इसके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। इन ब्रीफ द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड द वर्ल्ड इन द हेल्थ सेक्टर टू सेट ए स्पेशल प्लेस फॉर हेल्थ टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। देखिए क्या क्या कर रहा है वो आपको एक एक लाइन में बताती चलूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया का ये मार्गदर्शन करता है, स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर को निर्धारित करता है,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ और कार्यक्रमों को मजबूत बनाता है। आज जबकि कोविड का दौर है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बार बार अवेयर करता रहता है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है। तो जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी मानक हैं उन सबको ये विकसित करता है, उनको प्रयोग करता है और इसके लिए क्या करता है, तीन तरीके के ऑर्गन से काम करता है, असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर स्टेट्स, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ 32 पर्सन इलेक्टेड बाय द असेंबली। और इसका हेड ऑफिस जैसा कि मैं बता चुकी हूँ जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ILO का भी ऑफिस वहीं पे है। तो सदस्य राज्यों की प्रतिनिधियों की असेंबली होती है, असेंबली द्वारा चुने गए 32 व्यक्तियों का एक बोर्ड होता है और सचिवालय, और इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे और यहाँ पर इसके 6 ऑफिस भी हैं जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं वो भी आपको याद रखना है, ब्राज़ाविले कांगो में, वॉशिंगटन DC अमेरिका में, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में, इजिप्ट में, कॉपनहेगन डेनमार्क में, और नई दिल्ली भारत में, और मनीला फिलीपींस में। तो ये यहाँ पर इतने सारे इन्होंने कार्यालय इसीलिए बनाए हुए हैं कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें हेल्थ की रिपोर्ट को तैयार करना है और किसी भी तरीके की हम डिजीज़ को से लड़ने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। तो ये एक संसार नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना है। तो आज जो स्थितियाँ हैं इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो शुरुआत में मेंबर्स कम होते, इस समय प्रेजेंट टाइम में 194 मेंबर्स हैं और 2 एफिलेटेड मेंबर भी हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर इनका मेन काम क्या है कि लोगों के स्वास्थ्य की ऊपर उठाना, और बिल्कुल कह सकते हैं कि जितनी भी बीमारियाँ आ रही हैं उन सबको रोकने का प्रयास करना और हर तरीके से काम करना। तो हम भारत की श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर भी क्या हैं इसकी मेंबर रह चुकी हैं, और इसका मेन कार्य जो है वो हर तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही कार्य करना है। तो यहाँ पर जितनी भी बीमारियाँ, चाहे छुआछूत की बीमारी हो, चाहे मलेरिया हो, सभी देशों ने मिलकर काम किया। समय COVID-19 चल रहा है तो उस समय भी हम सारे के सारी कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही हैं, चाहे वो भारत हो, श्रीलंका हो, इसराइल हो, जॉर्डन हो, लेबियन हो, सीरिया, यूनान, सभी कंट्रीज़ मिलकर काम कर रहे हैं। और 7 अप्रैल को संगठन के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ताकि ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है जो लोगों को अवेयर करता है कि किस तरफ हमें ध्यान ज़्यादा देना है और क्या किस तरीके से हम बीमारियों को रोक सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट संस्था है जो इस ओर काम कर रही है। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी संस्थाएं हैं। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसीज हैं सब अपने अपने प्लेस में बेस्ट वर्क कर रही हैं। तो FAO 16 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश की गई है रोम, इटली में, और इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। तो आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल में कृषि और पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना, तो सभी संस्थाएँ इंटरनेशनल रूप में काम कर रही हैं। तो अब आगे की ये संस्था कब बनी और किस तरीके से वर्क कर रही है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्यूबेक सिटी कनाडा के फलस्वरूप स्थापित हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह कहाँ पर कैसे कॉन्फ्रेंस में ये आई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसे आया। तो एक सम्मेलन हुआ था क्यूबेक सिटी कनाडा में, उसी के फलस्वरूप ये एस्टेब्लिश किया गया था, और संगठन को 14 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बनाया गया, स्पेशल एजेंसी के रूप में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। इस संगठन का जो मेन ऑब्जेक्ट था पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना, पोषण खाद्य एवं कृषि संबंधी सूचना को संग्रहित करना। स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप देख सकते हैं कि सारा मटेरियल हिंदी इंग्लिश में आपको बता रही हूँ मैं, और कुछ अलग से बातें जो मैं बता रही हूँ वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे। तो ये करते क्या है, इनका मेन काम क्या है कि विश्व में भूमि और पानी के जो मूल साधन हैं उसके विकास में योगदान दें, ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मवेशियों की जो भयंकर महामारी को रोकने की व्यवस्था करते हैं कि जितने भी अगर कोई एनिमल्स हैं उनको कोई बीमारी हो गई है तो उसको रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर से हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, उन्हें पौष्टिक
खुराक दी जाए, खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था की जाए, भूमि के कटाव को रोका जाएगा, सिंचाई इंजीनियरिंग, फिर से जंगल लगाना, जमा हुई खाने पीने की चीज़ों को नष्ट करने से बचाना और रासायनिक खाद तैयार करना। इस संगठन के लिए कह सकते हैं कि विशेषज्ञ लोग, कई देशों के विशेषज्ञ इसमें दिन रात इस पर काम कर रहे हैं ताकि हमें एक हेल्दी फूड मिल सके और एग्रीकल्चर को मजबूती मिल सके। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, वो मैं आपको कार्य भी बता रही हूँ कि ये संगठन क्या करता है। भुखमरी और कुपोषण समाप्त करने और पोषाहार का स्तर सुधारने का भी प्रयास करता है। संगठन सदस्य देशों के कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास में सहायता उपलब्ध कराता है, जिसमें मछली पालन और वन भी शामिल हैं, और सभी प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन सब को सुधारने का ये प्रयास करता है। तो कह सकते हैं कि इस संगठन को में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में 1 मई 2020 तक इसके जो संगठन के सदस्य थे 194 सदस्य राज्य हैं, इसके 1 सदस्य संगठन और 2 सहयोगी सदस्य हैं, और यूरोपीय समुदाय को 1991 में इसका पूर्ण सदस्य बनाया गया, जो किसी भी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से जुड़ने वाला प्रथम प्रादेशिक संगठन था। तो 49 सदस्यों की एक परिषद भी होती है, जिसे कह सकते हैं विश्व खाद्य परिषद कहा गया है, फूड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहा गया है, और इसका भी एक सचिवालय होता है जिसकी अध्यक्षता प्रमुख संचालक करता है, और जो कॉन्फ्रेंस के बाद चुना जाता है। उसका मुख्यालय मैं बता चुकी हूँ कि रोम इटली में है, और 1981 के बाद से हर वर्ष, आप डेट याद रखेंगे, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और भारत के डॉक्टर BR सेन संगठन के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जो हैं वो हैं क्यू डेग्यू, आप नाम देख रहे हैं क्यू डेग्यू, FAO डायरेक्टर जनरल इस समय प्रेजेंट टाइम में है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इसको शॉर्ट में कहते हैं। अब बिना मनी के, बिना करेंसी के लाइफ कैसे चलेगी, तो उसको भी यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी मैनेज करती है, क्योंकि जब तक कहते हैं कि धन नहीं होता, मनी नहीं होती, लाइफ नहीं चलती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसी के लिए एस्टेब्लिश किया गया 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सभी सदस्य राज्यों को विदेशी विनिमय में सुविधा हो, इंटरनेशनल व्यापार किया जाए, भुगतान हो, प्रोत्साहन मिले, इकोनॉमिकल मजबूती मिले, और इंटरनेशनल तरीके से हम मजबूत हों, उसके लिए IMF बनाया गया। तो अब इसको मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूँ। ये भी स्लाइड्स मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दी हैं, जिससे कि आप दोनों में मटेरियल को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसके जो लिखी नहीं हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कह सकते हैं कि 22 जुलाई 1944 को संयुक्त राष्ट्र मुद्रा एवं वित्त सम्मेलन बेटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समझौते के तहत की गई थी। तो आप याद रखेंगे कि 22 जुलाई 1944 को एक समझौता हुआ था बेटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में, उस समझौते के तहत की गई थी, और ये समझौता 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुआ, और इंटरनेशनल मुद्रा कोष ने, IMF ने काम करना अपना शुरू कर दिया 1 मार्च 1947 से इसने अपना कार्य शुरू कर दिया, और संयुक्त राष्ट्र के साथ इसका संबंध एक सहयोग, एक समझौते के अनुसार निर्धारित हुआ, जो 15 नवंबर 1947 को लागू हुआ। तो 15 नवंबर 1947 को ये UNO के साथ जुड़ा, और इसमें पहली बार जो संशोधन हुआ वो 28 जुलाई 1969 को, 28 जुलाई 1969 को हुआ, जिसमें विशेष आहार अधिकार SDR का प्रोविज़न रखा गया, और जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ वो 1 अगस्त 1978 को हुआ। इसके प्रमुख उद्देश्य थे कि जो करेंसी है, करेंसी के संबंध में इंटरनेशनल रूप में हम क्या करें कि एडवाइस करें, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम क्या करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। इंटरनेशनल रूप में जो व्यापार करा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हो रहा है उसको हम बढ़ावा दें, प्रोटेक्शन को बढ़ावा दें, और जितनी भी स्टेबिलिटी ला सकें हम स्टेबिलिटी लाएँ, कंपटीशन से अनावश्यक बचें, और जितने भी करंट चालू लेन देन हैं जो काम कर रहे हैं, करंट में, भुगतान में, इंटरनेशनल भुगतान में, ट्रांसफ़र में, ये सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि वर्ल्ड के जो ट्रेड होता है उसमें कोई बैरियर्स ना आए।
तो हमें सारे बैरियर्स को हटाना था, इसीलिए आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया गया। जितने भी संसाधन हैं, सोर्सेज हैं, उन सबको क्या किया जाए, उपलब्ध कराया गया, और ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी तरीके से किसी को लॉस ना हो और बिना भुगतान किए वो क्या कर सकें, अपने जितने भी संतुलन हैं वो सब बैलेंस है उसको बनाए रख सकें और किसी भी तरीके के इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर्स ना आए। तो जो भुगतान हो रहे थे, जो असंतुलन की कह सकते हैं, संतुलन की अवधि और मात्रा को भी कम किया। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसने डिफरेंशिएट को कम किया है। कह सकते हैं कि मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या था, कि एक ऐसी प्रणाली का विकास करना था जिसमें से सभी देश कह सकें फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकें, सबको व्यापार में इंटरनेशनल ट्रेड में इंकरेजमेंट मिले, सभी इकोनॉमिकल रूप से प्रोग्रेस कर सकें। इसी के लिए इसका एक प्रशासन प्रबंधक मंडल बनाया गया जिसमें अध्यक्ष एमडी होते हैं, प्रबंध निदेशक होते हैं। उस मंडल में कम से कम 24 सदस्यों का होना आवश्यक है जिसमें से 5 स्थायी परमानेंट होंगे और बाकी सब टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। और इसका जो कोष का प्रधान कार्यालय उस देश में होगा जिसका कोष सबसे अधिक है, मतलब जिसके पास मनी ज़्यादा रहेगी वहीं पर हम इसका ऑफिस एस्टेब्लिश करेंगे। तो अमेरिका का कोष सबसे अधिक होने के कारण कोष का प्रधान कार्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में ही रखा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हमारे इंडिया के भी कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं, जिसमें रघुराम राजन जी हैं जिन्होंने 3 जुलाई 2003 को इस पद पर चुना गया था। भारत के ही डॉक्टर चिंतामणि देशमुख संगठन के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। और 1 मार्च 1943 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 40 थी शुरुआत में, जो प्रेजेंट टाइम में बढ़ के 190 हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो, ILO हो, चाहे वो WHO हो, चाहे वो IMFO हो, चाहे FAO हो। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सभी को मैंने आपके लिए डिस्कस किया। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और नेक्स्ट फिर मैं आपको